Hello students, today we are going to start the first lesson of Geography class 8th. The name of the lesson is Resources. In this lesson, we have to discuss about what are resources, their utilization, types of resources, where it is found, and how can we develop a thing into the form of a resource. As we know, source and resource are two things. Source, the main thing from which a resource is made. एग्जाम्पल कॉटन इज यूड टू मेक कॉटन क्लॉथ इन दिस सेंटेंस कॉटन इज ए सोर्स एंड कॉटन क्लॉथ इज ए रिसोर्स रिसोर्स एनी थिंग डैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड एक नीड को कम्प्लीट करने के लिए जो जो चीज़ें हमारी पास उपलब्ध होते हैं जिसका इस्तेमाल ह्यूमन बींग करता है उसे रिसोर्स के रूप में काउंट किया जाता है यू कैन सी यहाँ पे दिखाया गया है कि क्लॉथ जो है रिसोर्स है और उसका रॉ मटेरियल जिससे क्लॉथ बनाया जाता है जैसे कॉटन के जो प्लांट होते हैं उसे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं वो रिसोर्स है रिवर जो है एक सोर्स है और उससे जो हम वाटर घरों में इस्तेमाल करते हैं वो रिसोर्स के रूप में काउंट किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स में उसकी यूटिलिटी क्या है उसके अलावा इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है उसकी वैल्यू क्या है ये कुछ चीज़ें होती है जो एक रिसोर्स को एक सोर्स को रिसोर्स के रूप में बदलती है यूटिलिटी का मतलब होता है रिसोर्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्टानस एक सब्टानस के फॉर्म में है जैसे रिक्शा हो गया बस हो गया इलेक्ट्रिसिटी उसकी वैल्यू का मतलब उसका क्या कीमत है सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यू में बहुत सारे होते हैं ग्रैंड मर्डर्स होम रेमेडीज हैव नो ए कमर्शियल वैल्यू टूडे बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फॉर्म देन कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू यानी चीज़ों की वैल्यू तब हो सकती है जब उसका पेटेंट किया जाए जिसका मार्केट और कमर्शलाइजेशन किया जाए तो उसकी कीमत हो जाती है रिसोर्सेज एक्चुअली तीन तरीके के होते हैं एक होता है नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स जो ह्यूमन अपने लिए बनाता है और तीसरा होता है ह्यूमन जो खुद एक रिसोर्स है जिसे अल्टीमेट रिसोर्स के रूप में काउंट किया जाता है रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स मैनी ऑफ द रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली टेक्नोलॉजी में नॉट बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे एज फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर हो गया ये नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज स्टॉक है डिस्ट्रीब्यूशन है ओरिजिन है उसके आधार पर नेचुरल रिसोर्स को बांटा गया है और एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना भी हो तब भी यूज होता है जैसे एयर हो गया वाटर हो गया इनका इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर दो तरीके के रिसोर्सेस होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स एज वी नो एक्चुअल रिसोर्स हुज क्वान्टिटी इज नोन एंड यू इन परजेंट एग्जाम्पल द रिच डिपोजिट ऑफ कोल इन रोअर रीजन इज जर्मनी ये एक एक्चुअल रिसोर्स है बट बहुत सारे हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्स है एज फॉर एग्जाम्पल राजस्थान इज ए रीजन वेयर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बट no technological development we are not using at a high level so rajasthan becomes a potential resource in the form of air wind energy as well as solar energy on the basis of origin biotic and abiotic as we know that all the living beings living things are called biotic and non-living beings are called abiotic like rock mineral soil abiotic resources एंड प्लांट एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज एज वी नो डैट दो तरह के और रिसोर्सेज होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रीन्यू हो सकते हैं जैसे है एयर है वाटर है रीनीएबल रिसोर्सेज है जबकि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे होते हैं जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल के बारे में हम बात करते हैं वो नॉन रीनबल रिसोर्सेज होते हैं एक बार अगर हम उसका इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं यहाँ पे रीनएबल रिसोर्सेज को दिखाया गया जैसे सोलर एनर्जी हो गया वाटर हो गया विंड हो गया ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है जबकि नॉन रीन नॉन रीन रिसोर्स में फॉस्फोरस जो कि एक मेटल है ऑयल है लाइम स्टोन है ये रीन नहीं होते हैं लोकल लोकलाइट के आधार पर दो तरीके के होते हैं इविक्यूटस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेट इज कॉल्ड इविक्यूटस वे होते हैं रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर जैसे एयर है एविक्यूटस है सभी जगह मिलता है लोकलाइट रिसोर्सेस वे होते हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलते हैं जैसे कॉपर एंड आयरन हो गया जैसे बॉक्साइड की बात करते हैं तो बॉक्साइड सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ़ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेन क्लाइमेट एंड एटीट्यूड जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं वो प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अनकअल बिकॉज दिज फैक्टर्स डीफर सो मच अ इवर ऑन द अर्थ पृथ्वी पे अलग अलग जगहों का फैक्टर अलग अलग है जिसके कारण अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं जिन देशों में रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है जहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट है वो देश डेवलप्ड कंट्री के रूप में काउंट किए जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वे होते हैं जिसे ह्यूमन अपनी ज़िंदगी को लग्जरियस बनाने के लिए बनाता है जैसे व्हीकल्स हो गया एरोप्लेन हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम देखते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेस एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपुल ए वेल्यूबल रिसोर्स ह्यूमन को जब तक टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा एजुकेशनल सिस्टम नहीं मिलेगा डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तब तक ह्यूमन एक रिसोर्स के रूप में नहीं बन सकता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स शो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सिस नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स शुड बी एजुकेटेड एंड शुड भी डेवलप and there should be skill development also if the skill development is followed then the human becomes very very important for that country and after that he or she play a vital role for the development of the country conserving resources as we know that we are just going to using the resources as a larger pattern larger amount due to which the resources are just going to damaging and just going to reducing so we have to use a special type of topic that is called sustainable development that means there should be no harassing of environment development is necessary but sustainable development is compulsory so we should maintain the environmental issues as we know that key resources plays very very important role so we should take care and we should work on sustainable development like in our houses we have not to use the tungsten bulb we have to use led or plasma light to stop the larger use of electricity thank you that is end and that is the whole